मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम ओरिकल की। देखिए, कल जो हमने बताया था सब क्वेरी के बारे में बताया था, और आज हम उसी का प्रैक्टिकल लेकर आए हुए हैं आपके सामने। सब क्वेरी की कल थ्योरी कॉन्सेप्ट प्लस टाइप ऑफ सब क्वेरी, ये हमने आपको समझाया था। अब आपको लाइव कैसे करनी है, उसको रन कैसे करना है, ओरिकल में कैसे आप चलाएंगे, आज इन सभी बातों का आपको आंसर मिलेगा। देखिए, ये हमने आपको समझा दिया था, इसके बाद सिंटेक्स भी बता दिया था। एक बार रिपीट कर देता हूँ सब क्वेरी का। इसमें दो क्वेरी होती हैं, एक आउटर क्वेरी होती है और एक इनर क्वेरी होती है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सिंटेक्स में, सेलेक्ट लिस्ट, यहाँ पे हम फील्ड के नेम देंगे, फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन, ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशंस बनाकर हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशन को निर्धारित करेंगे। ये हमारी आउटर क्वेरी कहलाएगी, और ब्रैकेट के अंदर जो हम देते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी, सब क्वेरी। सेलेक्ट और इसमें भी हम फील्ड का नाम, फ्रॉम टेबल, क्वेरी बनाना हम जानते ही हैं। इनर और सब क्वेरी, यहाँ पे हमने नोट पे बताया था, सब क्वेरी जो इनर क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, वंस बिफोर मेन क्वेरी, मेन क्वेरी से पहले। इस प्रकार से एक दो एग्जाम्पल भी हमने आपको दिखाए थे, और ये लैब के लिए भी हमने असाइनमेंट दिया हुआ था। अब हम इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कैसे आपको वर्क करना है। इसको वर्क करने के लिए एक्चुअल में आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, ओरिकल को ओपन करना है। ये सभी से बनता है लगभग कि आप मेन यूजर सिस्टम से लॉगिन करेंगे, और उसके अंदर जो भी आप यूजर और वर्क स्पेस नेम क्रिएट किया होगा उससे आप क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे हम ऑलरेडी लॉगिन है, वेलकम राम, यहाँ पे जिस नाम से आप लॉगिन करेंगे वो लिख के आ जाता है, सभी जानते हैं। और इसके लिए अब आपको चलाना है। देखिए, ये जो क्वेरी एक्चुअल में हमने बनाई है प्री डिफाइंड टेबल के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। एक टेबल ओरिकल में ऑलरेडी बनी होती है, हम कई बार आपको समझा चुके हैं, ईएमपी नाम की, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाए, हमने नई टेबल क्रिएट नहीं किया है। लेकिन आपको जो हमने लाइव असाइनमेंट दिया है उसमें टेबल क्रिएट करने को भी दिया है, आप इसका प्रैक्टिकल भी करिएगा, प्लस नई टेबल बनाकर भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। देखिए, हम आपको सबसे पहले टेबल दिखा देते हैं, तो उसके लिए आपको मालूम है हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये हम लिखेंगे, और इसको हमने सेलेक्ट किया और रन किया। ये देखिए, ये टेबल बाय डिफॉल्ट बनी होती है, आप चाहें तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। एमपी नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सेल, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर, ये इसीलिए एक डिफॉल्ट टेबल प्रोवाइड करता है ओरिकल, जिसमें हम इसमें लैब भी कर लेते हैं, अपने डेमो भी तैयार कर लेते हैं। तो अब इस पे हमको सब क्वेरी, ये हमारी नॉर्मल क्वेरी हुई, सब लोग जानते हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखने के लिए। और यदि अभी हमने एस्ट्रिक लगाया हुआ है सभी रिकॉर्ड दिखा रहा, यदि हम इसमें ई एम पी एन ओ मतलब फील्ड का नाम दे देंगे, और जो भी देखना हो, मान लो सेल सैलरी हमको देखना है, जो फील्ड दे देंगे वो हम देख लेते हैं। ये पहले हमने नॉर्मल क्वेरी, देखिए दो फील्ड हमने सेलेक्ट किया तो दो दे दिया। अब आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं, ये सबको मालूम है, वेयर करके आप जिसमें, मान लो सैलरी पे हमने लगा दिया कंडीशन, सेल लेस देन ग्रेटर देन जो भी आप देना चाहें, 10,000 से अधिक की सैलरी जिसको दिखाना है, या हम कर देते हैं 2,000 से अधिक जिनकी सैलरी है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करे, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, आप जिनकी सैलरी 2,000 से अधिक है। यहीं पे आपको नेम भी चाहिए, ये फील्ड आप आगे पीछे भी कर सकते हैं जिस हिसाब से टेबल में बनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो हमने दे दिया है यहाँ ई नेम, और यहाँ पे हमने इसको रन किया, ये देखिए नेम जबकि टेबल में पहले बना हुआ था, अब हमने यहाँ पे क्या दिया बाद में, तो नेम हमारा बाद में आ गया। ये एक नॉर्मल क्वेरी हमने आपको रन करके दिखा दिया, जिससे आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सब क्वेरी में नॉर्मल क्वेरी का यूज तो होगा ही होगा। अब हम सब क्वेरी, सबसे पहले हमने उसके टाइप भी देखी, आपको बताए थे तीनों टाइप आज समझाएंगे किस टाइप से आप यूज करते हैं। तो पहले तो एक नॉर्मल सब क्वेरी रन करके आपको हम दिखा देते हैं। ये हमारी सब क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल मतलब सैलरी ग्रेटर देन, ये हमारी आउटर क्वेरी कहलाएगी, यहाँ तक सब जानते हैं, कल हमने समझाया भी था। और ये हमारी इनर क्वेरी कहलाएगी।
इनर क्वेरी में सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी व्हेयर ईएमपी नंबर इक्वल 7566। पहले ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी, इसको समझना है। सैलरी ये सेलेक्ट करेगा कहाँ से, ईएमपी से, और जिसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 7566। अब आपको देखिए क्या करना है, यदि आपको क्वेरी सब क्वेरी समझ में नहीं आती कहीं पे, तो हम आपको एक वो भी बेस्ट तरीका यहाँ बताने जा रहे हैं। ये तरीका कई लोगों को मालूम नहीं होता है। देखिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको इस सब क्वेरी को कॉपी करना है यदि समझ में नहीं आती है, और यहाँ पे पहले सब क्वेरी को रन कर लेना है और इसके आउटपुट को देख लेना है। ये देखिए, इसने सैलरी सेलेक्ट करके दे दिया, सेल सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी व्हेयर ईएमपी नंबर इतना, जो 7575 और 66 जो आपका एक्चुअल में 7566 जिसका ईएमपी नंबर है, उसकी सैलरी कितनी है 2975 रुपए। अब आपके लिए बहुत सिंपल सा हो गया। अब यहाँ आप क्या मान सकते हैं, ये जो हमको आउटपुट निकाल के दिया सब क्वेरी ने, उसने कितना दिया 2975। अब ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको हम हटा भी दें यदि, अब देखो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी फायर सेल सैलरी ज़्यादा हो, किससे किससे ज़्यादा हो 2975 से, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। अब इसको हम सब क्वेरी को चला के देख लेते हैं। देखिए अब इसको चलाने के लिए आपको मालूम ही है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। ये देखिए इन लोगों की सैलरी ज़्यादा है। आप अब देखिए नेम भरा रहा है, यहाँ यदि आप चाहें तो सैलरी भी डिस्प्ले करा सकते हैं चेक करने के लिए, क्या 2000 जो हमारी 975 रुपये आई थी उससे इनकी ज़्यादा सैलरी है कि नहीं। तो सेलेक्ट ई नेम कामा हमने सेल लगा दिया, साथ में सैलरी भी बताई। ये देखिए किंग स्कॉट फोर्ड इनकी जितनी की भी सैलरी है 2975 से अधिक वाले आ गए। आप जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, यदि इसमें हम लगा देंगे लेस देन तो आप कम वालों को डिस्प्ले करा सकते हैं रनिंग द। ये देखिए अब उससे कम वाले आएंगे, 2000 कितनी थी 975 से कम। ओके मेरे समझ में आ गया होगा आपको ये पहली क्वेरी, सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं दूसरी सी, सेलेक्ट नेम सेल डिपार्टमेंट जॉब फ्रॉम ईएमपी व्हेयर जॉब, जॉब जिसकी क्या हो, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी व्हेयर ईएमपी नंबर, ये ईएमपी नंबर ए की जो जॉब होगी वही सारे रिकॉर्ड उनका डिस्प्ले होगा, रन कर दीजिए। ये देखिए ईएमपी नंबर इनकी अब क्या जॉब थी, आप पर्टिकुलर यदि देखना चाहते हैं चेक करने के लिए, तो आप यहां से इस क्वेरी को कॉपी किया हमने, देखिए उसी की तरह, और यहां पे आपको हमने रन करके दिखा दिया। ये देखिए इसकी जॉब क्या थी, क्लर्क। अब जो कि यहां इक्वल टू लगा हुआ है, इसकी जॉब क्लर्क थी, तो वही रिकॉर्ड इन डिस्प्ले होंगे जिनकी जॉब क्या होगी, क्लर्क। तो यहां पे आप गौर करेंगे सभी क्लर्क वाले डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं। ये देखिए जॉब जिनकी क्लर्क है, बहुत यूजफुल होती है सब क्वेरी। सब क्वेरी का नॉलेज होना डीबीएमएस और ओरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और आपको हम बता दें जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं आज की डेट में, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें डेटाबेस प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी होता है। और डेटाबेस प्रोग्रामिंग में जो फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज की जाती है वो तो सिर्फ फ्रंट का काम करती है, बैक एंड लैंग्वेज तो इम्पॉर्टेंट ही होती है, वहाँ से क्वेरी ही हमको कॉल करना पड़ता है। यदि मैनेजर ने हमारे यदि कॉल किया, या वहाँ पर हमको रिपोर्ट ऐसी बनानी है कि हम कोई भी जॉब डाल दें, इंटर करें और उसके पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी ही क्रिएट करना होगा। हमें ऐसे रिकॉर्ड देखना है जिनकी सैलरी 10,000 से अधिक है, रहने वाला दिल्ली का हो, तो भी हमको क्वेरी ही क्रिएट करना होगा। तो क्वेरी एक इम्पॉर्टेंस रोल रखती है डीबीएमएस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। प्रोग्रामिंग का एक मेन पार्ट माना जाता है डीबीएमएस, क्योंकि बिना डीबीएमएस के कोई भी प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल नहीं है। इसी प्रकार से आप ये क्वेरी देखिए, हम आगे और भी बता दें दो चार क्वेरी।
इनका हमने यूज किया हुआ है। सेलेक्ट मिनिमम सैलरी हमने पहले निकाला ग्रुप बाई बना के, ग्रुप बाई आप पढ़ चुके हैं, डिपार्टमेंट में ग्रुप बाई बनाएगा और फिर उससे मिनिमम सैलरी निकालेगा और फिर जिनकी मिनिमम सैलरी होगी वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। सबसे आसान तरीका हमने देखिए आपको बता दिया, इसके अंदर जो आपकी क्वेरी है उसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और इसके बाद उस क्वेरी को पहले रन करके देख लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मिनिमम सैलरी निकाल दिया, अब ये मिनिमम सैलरी है, अब यहाँ इन लगा है, इन लगा हुआ है, तीन लोग निकल के आए हैं और तो इसके अंदर जितने रिकॉर्ड होंगे वही तो डिस्प्ले करेगा, वही तीन आ गए। देखो ऐसे एनी का भी यूज कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, ये आप लिख लीजिएगा क्वेरी, हमने इस पे आपको बता दिया और इनको आप चला लीजिएगा। देखिए ये हमने क्वेरी आपको समझाया और हमारे हिसाब से आपको ये सभी क्वेरी समझ में आ गई होंगी। ये कुछ हमने एग्जांपल्स बता दिए हैं। ग्रुप बाई के साथ हम हैविंग क्लास भी यूज कर सकते हैं, जैसे मिनिमम निकाला था ग्रुप बाई जॉब से, फिर हैविंग, अब उसमें से तीन निकल के आए थे, पर्टिकुलर किसी की हमको देखना है। आपको मालूम है कि ग्रुप के रूप में जब हम डेटा को निकाल लेते हैं और उसमें यदि हमको कंडीशन लगानी होती है तो हैविंग क्लास, ये देखिए हमने अब किसकी निकाला, हैविंग क्लास के अकॉर्डिंग जिनकी सैलरी आपने वहां पे निकल के आया उसका एवरेज निकाला हुआ है। यहाँ पे हैविंग क्लास से हमने लगाया सैलरी का एवरेज निकाल के बता दें, तो एवरेज सैलरी जो है वो क्लर्क की है। तो इस तरीके से आप इसको चलाएंगे, ये आप क्वेरी लिख लेंगे और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, हम आपको आगे बता देते हैं थोड़ा जो कल बताया हुआ था। ये देखिए सिंगल रो सब क्वेरी, हमने तीन टाइप की क्वेरी बताई थी, रिटर्न ओनली वन रो, एक रो रिटर्न करता है, यूज सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर। सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर यदि हम यूज करते हैं, आपको मालूम है रिलेशनल ऑपरेटर यदि हम यूज करते हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये यदि हम यूज करते हैं तो वो आपकी सिंगल रो सब क्वेरी कहलाएगी। एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरी हमने आपको बताया था ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई का जब हम यूज कर लेते हैं तो कोरिलेटेड क्वेरी तो बनी जाती है। कोरिलेटेड क्वेरी का मतलब हमने बताया था, जब पहली वाली क्वेरी का रिलेशन दूसरी वाली से हो तो कोरिलेटेड, यानी कि दूसरे वाले के जो आउटर क्वेरी का आउटपुट हमको मिलने वाला है वो पहली वाली क्वेरी पे डिपेंड है। जब एक दूसरे पे क्वेरी डिपेंड हो तो कोरिलेटेड क्वेरी कहला जाती है, सिंक्रोनाइज क्वेरी कहला जाती है। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज क्वेरी तो है, हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पे हमने देखा कि जब सब क्वेरी जब रन होती है उस आउटपुट के आधार पे हमको क्या मिलता है, आउटर क्वेरी का रिजल्ट, ये भी हमने आपको बताया। इसके बाद ये हैविंग क्लास भी आपको हमने यूज करके बता दिया है, हैविंग क्लास भी आप यूज कर लीजिएगा। और मल्टीपल रो ये भी समझ लीजिए, मल्टीपल रो रिटर्न मोर देन वन रो, ये आप नोट कर लीजिएगा। मल्टीपल रो में क्या होता है कि एक से अधिक रो रिटर्न होते हैं, यूज मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर। अब मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेरी इन की चला के दिखाया है, वो आपकी क्या है, मल्टी रो सब क्वेरी है, क्योंकि इनमें एक से अधिक तीन वहां पे एलिमेंट सेलेक्ट होके आए थे, तीन, तो यानी कि एक से अधिक आ गए। और जब रिटर्न मोर देन वन रो, तीन रो वहां पे सेलेक्ट होके आई थी, एक से अधिक रो सेलेक्ट हो जाए तो वो आपकी क्या बन जाती है, मल्टीपल रो सब क्वेरी। इस प्रकार से आप इसको भी चला के देख लीजिएगा और इतना आपको सब क्वेरी में चलाना है। फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में, हमको व्यू पढ़ाना है तो ये हम कल बताएंगे। आज आपको इतनी लैब भी कर लेनी है, ये क्वेरी चला के देख लेना है, इनका प्रैक्टिकल भी कर लेना है। और कल जो हम बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, व्यू पे वीडियो बनाएंगे। जब आपकी सब क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी तब हम व्यू पे काम करेंगे। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। ओके।